बनाएंगे हम कैप्सिकम पनीर, शिमला मिर्च और पनीर। जिसके लिए ये शिमला मिर्च हमने ले लिया है, इसको इस तरह से काट लेंगे। काटने के बाद फिर से इसको काट के बीच से कटिंग कर देंगे। इस तरह से शिमला मिर्च को कटिंग कर लिया हमने। और अब तेल हमने गर्म कर लिया है नॉन स्टिक में। इस तेल में शिमला मिर्च डाल देंगे, तेल के साथ शिमला मिर्च को चला लेंगे। शिमला मिर्च को चला के 3-4 मिनट के लिए मीडियम गैस पे ढक के पकने देंगे। और जब तक शिमला मिर्च पक रहा है, ये पनीर हमने ले लिया 250 ग्राम और इसको लंबा लंबा काट लेंगे। इस तरह से 2 पीस में काट लेंगे लंबा पनीर। और ये 4-5 मिनट बाद कवर हटा लेंगे। चलाके इसमें डालेंगे ये पनीर जो हमने अभी काटा था, वो पनीर इसके अंदर, जिससे ये भी अच्छे तरह से फ्राई हो जाए शिमला मिर्च के साथ। तो चला लेंगे, कोशिश करेंगे शिमला मिर्च ऊपर रहे कुछ देर के लिए और पनीर जो है वो नीचे रहे, जिससे कि अच्छे से पनीर फ्राई हो जाए। और अब ढकेंगे नहीं इसको, 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई होने देंगे। और ये 2-3 मिनट बाद चला लिया करेंगे, जिससे कि पनीर और शिमला मिर्च गले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। इस तरह से पनीर गोल्डन होने लगा है। जलने से बचने के लिए बीच बीच में 1-2 मिनट से पनीर को चला लेंगे। और 2-3 मिनट बाद इसे चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि तीखा ज़्यादा ना हो और कलर अच्छा हो जाए कैप्सिकम पनीर का, वो इसके अंदर। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ये डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 20-25 लहसुन हमने काट लिया था लंबा लंबा 20 से सीधा लगा के वो, और 1 इंच का अदरक हमने ये लच्छेदार लंबा लंबा काट लिया था वो इसके अंदर। और अब इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ये नमक इसके अंदर। और अब इसको चला के मिक्स कर लेंगे। चला के मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक के स्लो गैस पे पकने देंगे। और ये 4-5 मिनट बाद कवर हटा लेंगे बर्तन का और ये चला लेंगे एक बार कैप्सिकम पनीर को। और इस पर डालेंगे 1 चुटकी गरम मसाला का पाउडर। ये पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और ये तैयार है हमारा कैप्सिकम पनीर।